विधानसभा चुनाव अक्टूबर माह में होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक भी इस समय प्रदेश में गर्म होते हुए नजर आ रही है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, 4 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आएंगे। चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जीत का सहरा इस बार जनता किसके सर बांधती है। इस समय हम करनाल की रोड धर्मशाला में मौजूद है और रोड समाज से जुड़े कुछ लोग इस समय हरियाणा तक के साथ बने हुए हैं। ये एक बार विधानसभा चुनावों को लेकर बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, अक्टूबर माह में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अगर बात की जाए तो रोड समाज के क्या कुछ मुद्दे हैं, पहले तो आप मुद्दे बता दीजिए। देखिए, हमारा मेन मुद्दा तो यही है कि हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। देखो, हम बहुत समय से ये मांग कर रहे हैं, कोई आज की मांग नहीं है। मैं अगर कहूँ कि मेरे दादाजी मेरे पिताजी ये मांग करते करते ऊपर चले गए और शायद मैं भी चला जाऊँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। हमारी बातें सुनी नहीं जाती। हमारे अंदर सबसे बड़ी जो इशू है हमारे समाज के अंदर, वो ये है कि हमारी ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं और हमारा जो युवा है ना, वो बाहर की ओर प्रस्थान कर रहा है। प्रस्थान क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं है। अगर किसी के पास यहाँ 30,000 का भी रोज़गार हो ना, कोई भी बाहर जाने की सोचेगा नहीं। और जब तक आप सत्ता में नहीं होते, एक आत्मविश्वास होता है ना, और हमारा भी नंबर है, लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। बाबा साहब ने ये एक जो संविधान लिखा था सभी के लिए, रिजर्वेशन क्यों दिया गया था? इसलिए दिया गया था ना कि जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनको भी ऊपर आने का वो मिले। तो हम भी तो ऊपर आना चाहते हैं और वही अधिकार हम मांग रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मांगा, कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं आप? और बात की जाए तो हालांकि विधानसभा चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई, सर्व समाज है, बात की जाए तो लगातार इस तरह से जैसे आप राजनीति में भागीदारी की बात कर रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं, कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारा आसपास अगर करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत में लगाएं तो करीब 14 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे हम मौजूद हैं। लेकिन जैसे नीलोखेड़ी है, षड्यंत्र के तहत पिछले कई सालों से ये ख़त्म कर दी गई, वहाँ पे हमारी 65,000 वोट हैं। सोच सकते हैं आप, 65,000 वोट एक कम्युनिटी के जहाँ पे हो उसको जानबूझ के रिजर्व कर दिया गया ताकि इनका कोई विधायक ना, मतलब षड्यंत्र रचे जाते हैं हमारे साथ। इसी तरह से पुंडरी है, वहाँ पे हमारी करीब मेरे ख्याल से 45,000 वोटें हैं। असंत के अंदर हमारी 35,000 वोटें हैं। गुरुंडा के अंदर हमारी 32,000 वोटें हैं। इतनी वोटें होने के बाद और हम लोग हमेशा सभी पार्टियों का साथ देते आए हैं। पिछले 10 सालों से हमारा पूरा समाज बीजेपी के साथ खड़ा है। बीजेपी ने हमें क्या दिया? अच्छा सर, बात की जाए तो हाल फिलहाल में अब चुनाव नज़दीक है, इस समय आप देखते हैं तो हरियाणा में कई पार्टियां चुनावी मैदान में है। कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, बीएसपी गठबंधन में लड़ रही हैं, वहीं जेजेपी है समेत आम आदमी पार्टी है। किस तरह देखते हैं इस समय माहौल, कौन सी पार्टी का पलड़ा आपको भारी लग रहा है? हालांकि नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन मजबूत स्थिति कौन सी पार्टी की दिख रही है? अभी तक कोई क्लियर किसी की मजबूत पार्टी नहीं। हमारा तो जो आपसे उद्देश्य है बात करने का, हम अपनी बरादरी का है कि हमारी बरादरी को हमारा हक दिया जाए। हमें कोई भी पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, कोई भी हो, हमें हमारा हक दिया जाए। जहाँ पे हमारी बहुमत है, जहाँ हमें कंपटीशन की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, वहाँ इतना जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी हमारे कैंडिडेट आसानी से निकल जाता है। तो हम ये कहते हैं, या तो हमें टिकट दिया जाए, नहीं हम विरोध करेंगे। हम अपना आज़ाद उम्मीदवार उतारेंगे। किसी भी राजनीतिक दल हो आप, कितनी टिकटों की मांग कर रहे हैं? हम 3 टिकटों की बात कर रहे हैं। एक तो पुंडरी से है, एक असंत से हमारा, एक गरुंडा से है। कोई भी पार्टी हमें जो देगी, हम उसका सर माथे उसका सम्मान करेंगे। अच्छा, बीजेपी के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में 10 साल बीजेपी का कार्यकाल रहा, किस तरह देखते हैं आप? देखो, काल तो सबका ऐसे ही है जी, कोई सा काल ले लो, बीजेपी आप बीजेपी ने भी ले लो या कांग्रेस ले लो, काल तो सबका ही ऐसा है जी। इन अपने रोटी सेकनी, कोई किसी का कोई मतलब नहीं। हमारी बरादरी किसकी नौकरी दे रही है? हमारी बरादरी और कितने युवा हमारे बाहर चले गए हैं, हमारा युवा है ही नहीं देखने के लिए। अभी ताऊ जी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ताऊ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, किस तरह माहौल लग रहा है हरियाणा की राजनीति का, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है आपको? देखो, ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा भाई कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। और ये तो हमें तो बरादरी की तरफ से, रोड बरादरी की तरफ से, रोडों में भी, तो मेरी तो यही मांग है भाई, हमारे 7 हलकों में तो पूरी इतनी वोट आके एक कैंडिडेट को जिताने का। करनाल में 5 विधानसभा है, करनाल की बात की जाए तो करनाल में 5 विधानसभा है और लोकसभा में 9 है, कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं आप? हमारी तो कम से कम भी 3
तीन या चार चार सीट कोई भी पार्टी देवेगी हमारे को तो हम उसी के साथ देवेंगे। कम से कम रोड बरादरी का जो हक पड़ता है नहीं तो चार पांच सीटों का पड़ता है कम से कम। से तो आपकी बिरादरी से है ही विधायक, हालांकि विधायक होते हैं सर्व समाज के होते हैं क्योंकि सर्व समाज के लोग वोट करते हैं जब जीतते हैं। असंध भी पड़ता है, पुंडरी भी पड़ता है, कुरुक्षेत्र भी पड़ता है, इंद्री भी पड़ता है और नीलोखेड़ी में सबसे ज़्यादा बिरादरी है हमारी, 65,000 वोट है वहाँ भी हम एक कैंडिडेट को हरियाणा का और जिताने का काम करते हैं। साथ भी सर, एक बात बताएं, युवा हैं आप, सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि आपके समाज के मुद्दे क्या हैं, मुद्दों की बात की जाए। हमारे समाज के मुद्दे हैं जी नौकरी रोजगार में, हमारे बच्चे हैं जो विदेशों में जान लग रहे और हमारे समाज की बागादारी हर एक उसमें है, किसान नहीं मिला ले, देश सेवा में ला लो, किसी भी उसमें लगा लो, हमारी भागीदारी हर जगह पर हमारी अनदेखी हुई। जैसे हमारी नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल ले आवा, उसकी कोई पूछ नहीं। एक खिलाड़ी, सर माफ कीजिएगा, खिलाड़ी पूरे देश का होता है क्योंकि खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का सम्मान देश का हर एक नागरिक करता है। लेकिन अब बात की जाए तो फिलहाल मुद्दों की बात जी, एक तरीके था वो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको एक नया तो बना रखे हैं। अच्छा, क्या कुछ मांग करते हैं आप फिलहाल की बात? मेरी मांग ये है जी, हमारी पार्टी को टिकट मिलनी चाहिए जी, मेन मैटर ये है, हमारे समाज को टिकट मिलनी चाहिए। हमारे समाज चार या पांच टिकट मिलनी चाहिए, कम से कम तीन तो मिलनी चाहिए, चार या पांच नहीं दे सकते। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबू जी? 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा, अब नई सरकार बनेगी, किसकी बनेगी ये 4 अक्टूबर को ही पता चलेगा। 10 साल ये भी देखी है, 10 साल पहले भी देखी है, मेरा हल्का असंध पड़ता है और मेरी जो गाँव है पंचगामा है मेरा, मेरे से आगे जाट खा पाती है, रोहतक जी डिस्ट्रिक्ट आता है, आज तक अनदेखी हुई है हमारे समाज के साथ। 1966 में हरियाणा जब अलग हुआ था उसके बाद आज तक मेरे समाज के साथ अनदेखी हुई है। टिकट मेरे समाज की 6 या 7 हैं, 2 तो रिजर्व में हैं, वहाँ तो मिल नहीं सकती, वहाँ भी अनदेखी की है। 65,000 वोट हैं फिर भी वहाँ पर रिजर्व लगा रखी है। अब फिलहाल कहीं ना कहीं राजनीति में भागीदारी की मांग है, यही मुद्दा है यही आपके समाज का? हाँ, मुद्दा राजनीति का भी है, मुद्दा बच्चों का भी है। बच्चे, एक परिवार का एक ही बच्चा है और वो भी उन्हें छोड़ के दूसरे देश में जा रहा है, जमीन गहने दर के बेच के जा रहा है, तो ये भी बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कहेंगे सर, रोजगार का मुद्दा भी अहम रहने वाला है इस बार? सबसे बड़ा तो देखो, आदमी को जीवन में अपने के लिए रोजगारी चाहिए ना, चाहे वो यहाँ करे चाहे अमरीका में करे कहीं करे, जब हमारे पास यहाँ रोजगार ही नहीं है तो यहाँ पर लोग रह के क्या करेंगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो बिल्कुल रोजगार का है। तो ये थे हमारे साथ करनाल में रोड समाज के लोग, हालांकि अलग अलग समाज के लोग लगातार विधानसभा चुनाव में जो है अपने भागीदारी की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब हाल फिलहाल में टिकटें जब घोषित होंगी, जब पता चल सकेगा कि आखिर जिस तरह से सर्व समाज जो है लगातार टिकटों की मांग कर रहा है, कौन सी पार्टी उन्हें टिकट देगी, वही चुनावी नतीजे जब आएंगे 4 अक्टूबर को, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जनता ने इस बार किसे चुना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।